आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सीएम के कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर राजशेखर और आईजी प्रशांत कुमार फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित रैली स्थल का निरीक्षण किया गया। कमिश्नर और आईजी ने रैली स्थल पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 29 दिसंबर को क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड में जनसभा होनी है, जहाँ सुरक्षा मानकों और वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर कमिश्नर ने बारीकी से निरीक्षण किया। देखिए, हम और राजीव साहब यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग के साथ जिलाधिकारी भी है और एसपी भी है, और जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है तो उसके सभी जो सुरक्षा मानक है और उसकी जो व्यवस्था है उसको हम लोग देखने आए हुए हैं इस पर। और इस ग्राउंड पे कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम के लिए जितना वीआईपी के प्रोटोकॉल है और जो आम जनमानस प्रतिभा करने वाले हैं उनकी सुरक्षा के सभी व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता किया गया है इस पर, ताकि समय पर लोग आए और समय पर कार्यक्रम ये हो और कार्यक्रम सफलतापूर्वक जो है इसको कंडक्ट किया जाए। और उसके लिए जो जो व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था है, उनके पीने का पानी का व्यवस्था, शौचालय, चिकित्सा व्यवस्था, ये सब चीज़ें, प्लस जो कार्यक्रम का जो शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है उसके लिए जो तैयारियां करनी चाहिए वो पूरा तैयारियां है। अभी दो दिन का समय है और जो जो इंस्ट्रक्शंस थे आवश्यक थे हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर डीएम एसपी को दिए हैं और हमें उम्मीद है कि और बेहतर कार्यक्रम कराया जाएगा। देखिए, हम मैनपुरी के विकासखंड बेवर के ग्राम पंचायत दौदापुर में जल जीवन मिशन कर हर घर जल योजना के अंतर्गत तरफ से दौदापुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया और गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। साफ सफाई का नुक्कड़ नाटक गीत के जरिए भी महिलाओं को जागरूक किया गया, जहां टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि आप लोग कोई काम करते हैं तो जो हाथों में रेखाएं होती है उनमें भी गंदगी भर जाती है। किसान भाइयों को भी बताया गया कि खेत में काम करते समय हाथ व रेखाओं में भी गंदगी भर जाती है, गंदगी की वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं, कूड़ा कचरा गंदा पानी जमा हो जाता है, इसलिए बीमारी से बचने के लिए हाथों को बार बार साफ करें। कम हम लोग जो है स्वच्छता पे रखे हुए हैं, लेके आए हुए हैं, जो स्वच्छता का अभियान है इस पे हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं साफ सफाई पे, कूड़े कचरे पे और पानी पे, और शौच के लिए जो महिलाएं या बहनें बाहर जाती हैं उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने घर में बने हुए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, अपने घर की इज्जत घर के अंदर में रखना चाहिए। यही सब बातें लेकर हमारी ये फोक मीडिया की टीम आके मैनपुरी ज़िले के हर ब्लॉक के हर ग्राम पंचायत में ये जागरूकता अभियान लेकर आई हुई है। ऐसा है पत्रकार महोदय कि आज हमारे यहाँ राज्य स्वच्छता पेयजल की तरफ से लखनऊ से टीम आई और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये बताया कि हमें किस हिसाब से अपने गांव में साफ़ सफाई रखना चाहिए और हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम साफ़ सफाई रखें, जिससे कि हमारे घर में और परिवार में गंदगी ना फैले, गंदगी फैलने से बीमारियां फैलती हैं। इसलिए उन्होंने सारी बातें बताई कि हमें किस हिसाब से अपने घर में जल संचित रखना चाहिए, किस हिसाब से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। हम इसके लिए अपनी आई हुई टीम को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नवीन कुमार सक्सेना गोरखपुर पहुंचे और यहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लड़ाई में कहीं नहीं है। उनके गोरखपुर आगमन पर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद और सहनी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार धर्म और जाति की राजनीति करती है, यह आगामी सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। सत्तारूढ़ पार्टी ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, जो भी कार्य हुए हैं वो सिर्फ मेरी सरकार में शुरू हुए थे, वही पूरे हो रहे हैं। और बीजेपी ने सिर्फ आपस में वैमनस्यता पैदा की,
सांप्रदायिक सौंदर्य बिगाड़ा, अमन चैन को ख़त्म किया और हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बना के दो भागों में बांटने का काम कर रही है। और माननीय अखिलेश यादव नौजवानों, किसानों, गांव, गरीबों के नेता हैं। उनके अगर पिछले कार्य को देखा जाए अखिलेश यादव जी के, तो ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है इसका कोई कार्य नगर महसूस होता है, कोई कार्य नहीं होता। मैं अभी गोरखपुर होके निकला हूँ, रोड इतनी ख़राब है, गंदा, इतना गंदा गोरखपुर, मुझे कामना कल्पना भी नहीं थी कि इस तरीके का गंदा गंदगी होगी। सिद्धार्थ नगर के शोरतगढ़ तहसील के विकास खंड बढ़नी के ग्राम पंचायत बस हरिया कोटे के मनमानी सामने आई है, जहां जानकारी मिली है कि कोटेदार की ओर से प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वितरण किए जाने वाला राशन नहीं दिया गया, जबकि कार्ड धारकों से कोटेदार भगवान दीन की तरफ से ई पास मशीन से लोगों का अंगूठा लगवा लिया गया और लाभार्थियों को रिफाइंड तेल, नमक और चना का वितरण कर दिया गया, लेकिन चावल और गेहूं का वितरण नहीं किया गया, जिसकी शिकायत कार्ड धारकों ने तहसील स्तरीय अधिकारी पूर्ति निरीक्षक से किया। मौके पर पूर्ति निरीक्षक विंध्यवासिनी श्रीवास्तव ने गांव में जांच किया और मामले को सही पाया, लेकिन कोटेदार के खिलाफ विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही लाभार्थी परेशान है कि आए दिन कोटेदार यही कहानी दोहराता है, लेकिन अधिकारी की यहां जांच करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। समस्या सर यही है जी कि जब जब ये गल्ला उठाते हैं तब तक अंगूठा कभी अंगूठा लगवाते हैं, कभी गल्ला वैसे ही बेच लेते हैं। इसमें तीन अब की उठाए, जो आज 25 तारीख हो गया, 25 तारीख के बीच में कोई गल्ला नहीं मिला। एक एक किलो रिफाइन दिए हैं, 1 किलो चना, 1 किलो नमक, इसके अलावा गल्ला नहीं। आज घर छोड़ के पब्लिक जब आते तो घर छोड़ के भाग देते हैं। समस्या सर यही। मिर्जापुर में व्यापारी इच्छा के लिए यात्रा के साथ भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केशरी पहुंचे। रणजीत केशरी ने व्यापारी आयोग की मांग की है और उन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनने के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी समस्या का समाधान किया है। व्यापारियों की समस्याओं को समाधान उनके तरफ से किया जा सकता है। व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों की समस्या का समाधान करने में आनाकानी की जा रही है, इसका एक ही उपाय है कि व्यापारी आयोग का गठन कर दिया जाए, ताकि व्यापारी अपनी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आयोग में ही करके राहत पा सके। कार्यक्रम में है कि हमारे पूरे भारत देश में जितने व्यापारी हैं, वो छोटे व्यापारी हों चाहे बहुत बड़े व्यापारी हों, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक प्लेटफार्म होना चाहिए, जिस प्लेटफार्म का नाम है व्यापारी आयोग। तो भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन का मांग है कि देश में व्यापारी आयोग बने, ताकि उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो पाए। इसलिए मैं पूरे भारत देश में दौरा करके आज मिर्जापुर में शहर में हूँ। हम तो पूरी पूर्वांचल हो गया, कम से कम 15 स्टेट का मैं दौरा करके आया हूँ। क्यों जरूरत पड़ रहा है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम लोगों की कोई भी समस्याएं, अगर एक छोटा सा, एक जैसे अभी भाई साहब यहाँ पे आए हैं, अपंग हैं, अगर इनको 10,000 रुपये की भी जरूरत पड़ रही है, कहीं भी अगर अधिकारी के पास जा रहे हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार से सारे लोग लिप्त हैं और ये व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन का मानना है कि अगर व्यापारी आयोग बन जाएगा तो जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, अपने व्यापारी आयोग में लिखेगा, व्यापारी आयोग संज्ञान में लेगा। सहारनपुर में रामपुर मनिहारान दिल्ली रोड के पास सरकारी समिति में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य पहुंची, जहां बेबी रानी मौर्य का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेबी रानी ने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव कार्य किया है। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि भाजपा सरकार में आवास योजना, शौचालय, आयुष्मान भारत, बीमा, किसान सम्मान, मुफ्त राशन देकर अनुसूचित जाति व गरीब मजदूरों को लाभ देने का काम किया है। संभल के पुलिस चौकी पतरिया गांव डडवारा में एक महिला ने गांव में ही कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है, जहां महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि अपने खेत पर गेहूं देखने गई थी और इसी के बीच खेत की मेड कटी हुई दिखाई दी। खेतों में हुए विवाद पर महिला ने शिकायत की, लेकिन दबंगों ने महिला के खेत को बर्बाद कर दिया। इस मामले में पीड़ित न्याय की गुहार लगाते हुए दबंगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के साथ दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की।
पीड़ित ने चौकी पतरिया में प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस मामले में कब कार्रवाई करती है और पीड़ित को कब न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवार के साथ दबंगों ने की है मारपीट। संभल से हम आपको खबर दिखा रहे थे जहां दबंगों ने फिर हौसले बुलंद हुए हैं, जहां पे तमाम वारदात सामने आई जा रही है, जहां पर इस मामले में पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। जहां इसी के साथ दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की है और पीड़िता ने चौकी पतरिया में प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में कब कार्रवाई करती है और क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा। ये बात है, मेरी माँ खेत पर गई थी, ये खेत बवा हुआ है हमारा। उसके बाद मेरी माँ ने बोला ये मट्टी डाल लेते, देवेंद्र सिंह ने गाड़ी उठता की, मेरी माँ के साथ हत्ता पाई खेत पे ही। हाँ जी। और मैं गांव में, मेरी माँ घर पे आई, मेरे से बोला कि लाठी लेके मेरे घर पे आ गए। देवेंद्र आए, मेरे साथ हत्या पाई की उन्होंने। मैंने पत्री चौक में तैयारी भी दी है इस बात की। अच्छा, किन के खिलाफ? देवेंद्र के खिलाफ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निजी कंपनी से काम करके घर लौट रहे एक नवयुवक को चाकू से गोद कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। मामला सेक्टर 58 थाने का है, जहां युवक की हत्या से गुस्साए कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोगों ने कंपनी का घेराव करते हुए कंपनी पर युवक की सहायता न करने का आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही और कहा कि जैसे ही परिजन की तरफ से शिकायत आएगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लोगों ने कंपनी से भी सहायता की मांग की है। उसका परसों शाम को एक अननोन आदमी ने चप्पू मारा और आज सुबह मैसेज आया दिल्ली से उसकी डेथ हो चुकी है और उसके परिवार वालों को बुला लिया है। वो जैसी स्टेटमेंट होगी कार्रवाई करेंगे, एफआईआर लॉन्च करेंगे। छानबीन एक यहाँ शाम तक। ताज नगरी आगरा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ ब्राह्मण संगठनों का आक्रोशन देखने के लिए थम नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष राहुल नवानिया ने ऐलान किया है कि जो भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का सर कलम करेगा उसे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्था 21 लाख रुपए का इनाम देगी। आपको बता दें कि आगरा के सिकंदर अर्तोनी हनुमान मंदिर के पास हाईवे रोड पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के पदाधिकारियों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पुतले की जूतों से पिटाई करते हुए पुतले को फूंका। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राहुल लवानिया ने आरोप लगाया कि कुछ लोग ब्राह्मण विरोधी हैं और इसलिए जीतन राम मांझी का समर्थन कर रही है। इसलिए बिहार में जीतन राम मांझी के खिलाफ बयान देने वाले गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जीतन राम मांझी का इसलिए पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सनातन धर्म एवं ब्राह्मण खिलाफ के जो अब शब्द कहे थे उसके खिलाफ ये इनका पुतला फूंका गया है। ऐसे लोगों का समाज के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। जो लोग कहते हैं हमारी जाति तो मूसक खाती है, हमारी जाति तो दारू बिना पिए नहीं रह सकती, ऐसे लोगों को ब्राह्मण खिलाफ के ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई भी हक नहीं है बोलने का। कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के नत्थू गहरा आता है और ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलना चालू कर देता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। सिद्धार्थनगर में शातिर तस्करों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवानों ने मोटरसाइकिल और साइकिल से चावल की तस्करी करते हुए दो तस्कर को पकड़ लिया। जब्त किए गए सामान के साथ तस्करों को सीमा शुल्क कार्यालय का खुनुवा पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 14 स्थित एक निजी स्कूल में आज जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के सहयोगी दल जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। लेकिन सरकार के सहयोगी दल के कार्यक्रम में ही एक सरकार की ओर से बनाए गए कोविड गाइडलाइन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो वहीं दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 से कर दी है, जहां
इस सवाल पर अजय चौटाला ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि शराब पीने की कोई उम्र नहीं होती, बच्चा भी शराब पी सकता है। ये निर्णय सरकार के स्तर पे होते हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही फैसला लिया होगा। आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या मानना है? व्यक्तिगत तौर पे तो अब 25 साल और 21 साल की बात जब करें तो व्यसक होते ही लोग इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है और शराब पीने की घटाई जा रही है। शराब पीने की उम्र तो कोई होती नहीं है, बच्चा भी पीना शुरू कर देता है कई बार। सरकार परमिट अगर करेगी तो फिर तो ऑब्वियसली लोग, सरकार तो इसलिए परमिट कर रही है कि जब वो बचपन से ही उसका सेवन शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।